हाँ ये क्या हो रहा है? ये क्या है गाइस? अरे नहीं यार, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। रुको यार, मत मारो मत मारो मत मारो भाई, मैं सरेंडर करता हूँ, मत मारो। ओ भाई यार, यार बचा भाई मैं। गाइस मुझे लगा भाई मैं सच्ची में फंस गया हूँ, ये तो एक सपना था। बाय द वे यार, आप लोग को गाइस ये सपना कैसा लगा आप लोग ने देख लिया? यार ये सपना था अच्छा वो, वरना भाई अब भी गाइस में ऑलमोस्ट मेरी बात लगने वाली थी गाइस। एंड ये सपना था अच्छा हुआ, अगर ये असलियत होती तो भाई अभी मैं कब का निकल चुका होता। बट ये सभी असलियत नहीं है। एंड रुको, ओ भाई अच्छा हुआ ये सपना था। बाय द वे यार, अभी मैं जाग चुका हूँ, अभी तो मैं यूज करूँ। अरे यार, अरे यार, यार, यार। बट गाइस मेरे को सपना कुछ असली लग रहा है, क्योंकि सुबह के सपने असली होते हैं। ऐसा क्यों हुआ वो मुझे सोचना है, सुनना है कि क्या था इसके पीछे। तो यस यार, गाड़ी अच्छे से चला लेता हूँ पहले, एंड चलता हूँ गाइस पहले चेयर के पास। सुबह ब्रश ब्रश मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट चेयर के पास जा रहा हूँ अपना सोल्यूशन लेने के लिए। एंड भाई तीन नहीं चार दिन हो चुके हैं, एंड अभी तक सोल्यूशन आया या नहीं वो मुझे नहीं पता। एंड अगर गाइस, अरे गाइस पर ये सपना मुझे असली क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ ये सपना असलियत में होने वाला है? क्योंकि भाई सही में गाइस गंदा वाला मेरे को डर लग रहा है। बट अभी क्या करें, यहाँ पे डरेंगे तो गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है इसके साथ साथ। एंड भाई कसम से बोल रहा हूँ, ऐसा सच्ची में होना है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं। अभी चलते हैं यार चेयर के पास हम, जल्दी पूछते कि क्या है क्या नहीं। एंड गाइस क्या पुलिस, अरे रुको, हाँ याद आया गाइस एक चीज़ तो हम भूल ही गए गाइस। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो हमने ये चीज़ याद ही नहीं की एक्साइटमेंट में, कि भाई अगर गाइस इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिला पर हमने ये पोशन, अरे यार ये पागल है क्या भाई बस ड्राइवर, रुक बे तू, रुक रुक रुक, नहीं 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 इसको जाने ही नहीं दूंगा गाइस, मैं बॉम्ब फोड़ के रखूँगा इसके ऊपर। रुक अभी गाइस इसको फंसाना पड़ेगा। ओके जो चेड सब देख रहा है गाइस यहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान से गाइस। एंड ये ले भाई, ये ले ठीक है, ये ले भाई फट जा यार तू, फट जा कसम से यार तू फट जा। ये ले भाई, तेरे ऊपर जितने बॉम्ब बरसा सकूँ उतनी कम है। एंड अरे गाइस पूरी आग लगा दी बस पे, तो ओ भाई पूरी बस गाइस डूम डूम हो गई। बट ये अभी गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई पुलिस मेरे को पकड़ेगी? अभी नहीं यार, अभी तो मैं बच जाऊँगा क्योंकि पुलिस इतने कुप्चे में नहीं आती। बट फाइव स्टार पुलिस पकड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो वन स्टार पकड़ने वाली थी बट अभी नहीं आई नहीं यार। तो जल्दी गाइस चैट के पास चलता हूँ मैं। एंड ओके, तो गाइस यस अभी हम इनविजिबल पोशन, अरे एक चीज़ मैं भूल गया गाइस, अगर गाइस मैंने इनविजिबल पोशन लिया और पुलिस को अभी तक तो पता भी चल गया होगा कि इनविजिबल पोशन निकल चुका है भाई। वहाँ पे अच्छा हुआ नया नया लैब था, कुछ खुला नहीं था गाइस, कैमरा नहीं था। यार चैट से भी बात करनी पड़ेगी। ओके तो चैट को बुलाने के लिए गाइस मुझे दो ऐसे फेंकना पड़ेगा। ओके तो चैट ने देख लिया। ओके तो मैं डिवाइस को बना सकता हूँ। अरे हाँ मैं चैट हूँ, तुम जैक हो क्या? अरे हाँ भाई मैं जैक हूँ, मैंने तो इनविजिबल पोशन दी है। अच्छा हाँ याद आया भाई, सुबह सुबह कुछ याद नहीं आता, एक तो इतनी नींद आती है सुबह याद आता हूँ। अच्छा अभी ये बता भाई आज सोल्यूशन आया है या नहीं? नहीं यार सोल्यूशन तो नहीं है, बट एक घंटी वाली न्यूज़ आ चुकी है। ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई है? अरे जो ड्यूड नगर की पुलिस है वो सबको जांच पड़ताल कर रही है सबके घर पे। अरे एक मिनट, घर पे जांच पड़ताल करके क्या पता चलेगा? अरे उनके घर वालों से पूछ रही है। अच्छा वो तेरे घर वाले नहीं हैं? अरे हाँ वो भी है भाई, बट यहाँ पे ये नहीं नहीं रुक, इतना भी आसान नहीं है। जो लैब के बाहर जो कैमरा था उसमें किसी का तो मुंह दिखा है, यह सब पुलिस ने बोला है। उसका मुंह कोई मतलब किसी को वो दिखाएगा नहीं, तो ये सीक्रेट है अभी तक। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तेरा मुंह था?
अरे यार शिट, तो मैं मतलब मैंने लैब में से जो केमिकल पिया उसके जब मैं बाहर गया वहाँ पे कैमरा था। अरे हाँ यार, शायद एक बंदे ने तेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया एंड आई थिंक तेरा सीसीटीवी में भी मुंह आ गया। तो अगर तेरा मुंह आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, या तो वो लोग भी ढूंढ के ही रहेंगे कैसे भी, उन लोग का मुझे पता है। इसलिए मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, पहले तो तू सोल्यूशन ले ले। अरे भाई मैं सोल्यूशन कैसे लूँ, मेरे को पूरे या तो देख, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है तेरे पास। एक बार तू पूरा सोल्यूशन ले ले, पी ले जो भी मैं तेरे को देता हूँ, या तो तू पूरे हमेशा के लिए इनविजिबल बन जा। अरे यार हमेशा के लिए मैं क्यों इनविजिबल बनूँ यार, वही बोला, इससे अच्छा तू पूरा सोल्यूशन पी ले। बट तू सोल्यूशन पिएगा तो बाद में उसका सोल्यूशन का क्या असर होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पहला वाला सोल्यूशन था वो एकदम परफेक्ट था। अभी वाला तुझे मिलेगा शॉप में, शॉप में ही तेरे को परफेक्ट मिलेगा। बट शॉप वाले को भी जल्दी जा, जल्दी पुलिस पकड़ ही लेगी। अरे यार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। अभी मैं नहीं जानता तूने खुद के रिस्क पे किया है ये जो भी है, एंड मैं पहले ही बोला था कि भाई ये करना सही नहीं है, चाहिए तो लास्ट वीडियो देख ले। अच्छा यार अभी मैं क्या करूँ, अभी सबसे बेस्ट चीज़ तू कर सकता है वो है भाई बचने की कोशिश कर पहली बात, एंड शॉप की भी जांच पड़ताल होगी। तुझे पता है क्या, पुलिस पूरी हाईटेक हो चुकी है, पुलिस ने सारे ड्रोन उड़ाने चालू कर दिया है, सब चालू कर लिया है, पुलिस की गाड़ी है आजू बाजू में। और तू सोल्यूशन ढूंढने जाएगा क्या? अरे हाँ यार सोल्यूशन ढूंढूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, मुझे नहीं पता। अभी पुलिस तो पूरी जांच पड़ताल में आ चुकी है, क्योंकि तूने भाई जिस हिसाब से इन लोग का इनविजिबल वाला इतना रेयर पोर्शन गया है, उसकी वजह से पुलिस एकदम झांक चुकी है। अभी पुलिस ऐसा लग रहा है कि पकड़ के ही रहेगी किसी ना किसी को, तो भाई मेरे को ना पकड़ ले। बट तूने ही पोर्शन पिया है तो तेरे को ही पकड़ेगी। अभी भाई तू एक काम कर, जा और घर पे ही रह। नहीं यार मैं बाहर तो घूमूंगा ही, मेरे को घर पे रहने का नहीं पसंद है। अच्छा तू बाहर घूम, बट ऐसे मत घूम कि कोई तेरे को पकड़ ले। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तेरे को एक ऐसी फेक मूछ देता हूँ, और ऐसा चश्मे देता हूँ, और क्या बोलते हैं, हाँ वो देता हूँ क्या, दाढ़ी जैसा कुछ होता है ना। अच्छा तो उससे क्या होगा? अरे उससे पुलिस को पता नहीं चलेगा कि तू है। दिखा। अच्छा ये वाला ना, अच्छा ये फेक है यार। अरे वही तो मैं बोला कि फेक है ये, इसलिए तो तेरे को दिया, वरना अभी तक तेरा मुँह पता चल जाता था। अरे हाँ यार चेयर, तूने सही काम किया है, थैंक्स यार। अरे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, अभी तू निकल भाई, तू यहाँ से बाहर जितना घूम है उतना घूम, बट ऐसे घूम के किसी को सस्पिशियस ना लगे। हाँ यार मैं तो भूल ही गया कि तू इनविजिबल है, इसलिए भाई तेरी घड़ी का शेडो दिख रहा है खाली, एंड घड़ी भी तेरी इनविजिबल है वैसे, बट तेरा शेडो ही दिखेगा घड़ी का। अच्छा ठीक है भाई। यार गाइस एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, शिट गाइस अभी हमें जल्दी निकलना पड़ेगा घर पे। मैं तो घर पे जो भी है वो आराम से सोचता हूँ, मेरे को बाहर नहीं घूमना है। या तो मैं बर्गर शॉप में जाके सोचता हूँ, या तो कहीं तो जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि गाइस गाड़ी में तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं काम करता हूँ मॉल में चले जाता हूँ, या तो अभी केले वाले की जा सकता हूँ, यहाँ पे जांच पता हो गई या नहीं पूछ लेता हूँ। रुको गाइस, पहले तो गाइस मैं थोड़ा सा सस्पेक्ट नहीं कर रहा, एंड रुको यार इसके यहाँ लास्ट टाइम गाइस इसके मतलब इसके पास भी मेरी चिप कनेक्टेड है गाइस, आई थिंक चैन ने इसको भी चिप दे दी। अरे हेलो तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? अरे हाँ मैं सुन सकता हूँ, मेरे मेरे कान में चिप है जिससे मैं किसी की भी आवाज़ सुन सकता हूँ। अरे अच्छा वो चिप तुमने चैड को, चैड ने तुझे दी? अरे हाँ चैड ने मुझे वो चिप दी है, क्यों? अरे चैड ने तुझे दी होगी क्योंकि भाई तू मेरी आवाज़ सुन सके, और क्या तू मुझे देख पा रहा है? अरे हाँ, अरे बाकी सब लोग भी मेरे को देख पाएंगे, तो इनविजिबल पोशन। अरे ये मत सोच भाई, मेरे पास ऐसी चीज़ है आँख में ऐसे लेंस है जिससे मैं खाली तेरे को ही देख सकता हूँ। अच्छा ये किसने दिए? अरे ये तो एक चैड चैड नाम के बंदे ने ही दिए हैं, अभी उसने ही दिए थे जिसने मेरे को ये चिप दी है सुनने के लिए। उसने, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने सारे दुकानदार को ये चिप दे दी है ताकि वो सुन सके कि कौन इनविजिबल है। बट रुक भाई, तू कभी जाना मत।
तू कहीं जाना मत, किसी भी दुकान में मत जाना मेरी अलावा, क्योंकि दूसरे दुकान वाले मुझे धोखेबाज लग रहे हैं। वो तेरे नाम तेरा नाम पूछेंगे पहले, इसलिए उन लोग का नाम मत बताना कभी भी जाए तो। अच्छा ठीक है यार, अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा। एंड रुक रुक रुक, दो मिनट, क्या तेरे को कुछ पीने के लिए चाहिए क्या? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे हाँ यार, पीने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए भाई, थोड़ा सा दे दे कुछ होगा। अरे ऊपर एक चीज़ है भाई जो तेरे लायक ही है ऊपर। अरे ये अच्छा ये, हाँ तो ठीक है, इसका कितने हुए? अरे भाई पैसा मत ले भाई, पी ले तो आराम से एकदम। अच्छा हाँ भाई मज़ा आ गया गाइस, तो मेरे को कोल्ड ड्रिंक पी के बहुत मज़ा आ गया। ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक थी वैसे? अरे 150 की कोल्ड ड्रिंक है जो मैंने तेरे को फ्री में दे दी। चल भाई अभी तू जा। अरे मैं कहाँ जाऊँ? अरे जहाँ आई मीन तू यहाँ पे रुक। अगर तू गई चीज गया और दुकान वालों के पास गया दूसरे, तो दुकान वाले तेरा नाम ले दे देंगे पुलिस को, और पुलिस तेरे को आसानी से दिखाएगी। एक काम कर, जा आराम से, आई मीन जा मत, जा मत, जा मत, जा मत, खाली यहाँ पे बैठे रहे, खड़े रहे, बात कर दो करना ऊपर, बट बाहर मत जा जब तक सुबह ना हो जाए। क्यों भाई? सुबह सुबह आई थिंक रात को पुलिस ज़्यादा चेक नहीं करती ना। अरे रात को ही पुलिस ज़्यादा चेक कर रही है और सुबह कम, क्योंकि सुबह गाइस नॉर्मल लोग होते हैं और रात को गाइस भाई तेरे जैसे लोग होते हैं। अच्छा समझा, पुलिस रात को ज़्यादा अवेयर है। अच्छा हाँ, इसलिए तू रात को कहीं मत जा, समझा ना। अगर पुलिस ने तेरे को देख लिया तो भाई मैं भी देखो नहीं बचा सकता। अरे यार तो ये तो एक बड़ी दिक्कत हो गई भाई, तेरे को जो सोचना है वो सोच, अभी तू यहाँ से जो लेना है वो ले ले, पैसे बाद में देगा तो भी चलेगा, बट तू यहाँ पे रुक, ठीक है? हाँ ठीक है यार, एक सिगरेट, हाँ बस बस यार, ये तो सिगरेट भी अच्छी है, ठीक है। ये इसके कितने हुए भाई? तू पैसे का छोड़ भाई, ये फ्री में ले ले, एक 2 रुपये का तो ये है। ठीक है भाई, अभी तो मैं यहाँ पे रुका हूँ, अभी मैं जा सकता हूँ? अरे भाई चले जा अभी, बट ध्यान से जाना, ठीक है? तो गाइस अभी मैं गंदा वाला फंस चुका हूँ एंड भाई अभी मुझे ध्यान से जाना है। अरे रुको भाई, मुझे पुलिस की क्यों आवाज़ आ रही है? मैं यहाँ पे छुप के जाता हूँ गाइस, यहाँ पे घर में। एंड शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है भाई घर का? अरे जल्दी जल्दी गाइस, जितना मैं गलियों से निकलूँगा ना उतना मैं सेफ हूँ, क्योंकि रोड से गाइस कोई भी मेरे को पकड़ लेगा रोड साइड से। भाई सोचा नहीं था ऐसे दिन आ जाएंगे। एंड भाई यहाँ से, अरे एक ही गाइस, ये वैन गाइस ये पुलिस की वैन थी ना, जाने दो यार, यहाँ पे पुलिस की वैन गई अभी। भाई मैं तो जा रहा हूँ घर पे गाइस जितनी जल्दी हो सके, पुलिस की वैन देख के गाइस मैं इतना डर गया हूँ। बट यस यार, रात को सच्ची में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। एंड ये कौन है गाइस? अरे ये तो मुझे देख नहीं सकते गाइस, तो ओके तो ये क्या कर रहा है? आई डोंट नो। ओके तो यस, ये मेरे को देख के नहीं कर रहे, उसे देख के कर रहे थे आई थिंक गाइस। थोड़ा सा मेरे घर के पास किया है वो लोग, आई डोंट नो गाइस, मेरे घर के पास। अच्छा फ्री में गाड़ी मिल गई, चलो ठीक है गाइस, वो लोग यहाँ पे गाड़ी रख के चले गए। आई मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये मेरी गाड़ी है। वो लोग यहाँ पे क्यों आए मेरे को अभी तक नहीं पता गाइस, बट जाने दो यार, भाड़ में गए, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। एंड भाई इसे बंद कर लेते हैं, ठीक है गाइस। पुलिस से बच के तो मैं घर पर तो आ गया, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई घर की तलाशी ली है? स्केट बोर्ड ऐसे किसने रखे? मैंने तो ऐसे रखे नहीं थे, आई थिंक पुलिस होगी यार। बच जाने दो यार, अभी पुलिस गई आई थिंक अभी। एंड यहाँ पे गाइस चाय भी पूरी ख़त्म हो गई गाइस, मैं चाय पीना भूली, नहीं नहीं चाय पी के गया था खाली गाइस यहाँ पे। रुको, ये बुक तो मैंने बाहर ही नहीं निकाली यार। हाँ पुलिस ने चेकिंग के लिए ली होगी भाई, सारी चीज़ें पुलिस ने चेक की है। इसकी मिट्टी भी ऊपर ऊपर हो गई है, मतलब मिट्टी के अंदर भी चेक की है। आई डोंट नो मिट्टी के अंदर क्या मिलेगा इन लोग को, क्योंकि यार मिट्टी के अंदर ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, इन लोग को क्या मिल जाएगा ऐसा। तो जाने दो यार, अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे निकल जाता हूँ पहले तो, एंड थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ बेडरूम में, ब्रश कर लेता हूँ एंड रुको। ओके भाई, तो भाई ये ब्रश भी ख़त्म हो गया यार। नहीं यार कल ही तो मैं ब्रश लाया था यार, ये पुलिस ने क्या क्या चेक नहीं किया गाइस वो बोलो। एंड भाई यहाँ पे ये क्या हुआ? हाँ ये ठीक है गाइस, अच्छा हुआ पुलिस ने बाथरूम चेक नहीं किया। आई डोंट नो यार, ये लोग मिट्टी चेक करते हैं, चेक नहीं करते गाइस, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ नहीं यार, हमारे एरिया में गाइस ये अलाउ है वैसे भी, तो ये क्या है गाइस, इन लोग ने फेस वॉश को भी उल्टा सीधा कर दिया यार। ये लोग चेकिंग करके गए यार मेरा काम बढ़ाने।
तो यस, गेमिंग रूम में कुछ इतना डैमेज नहीं है, गेमिंग रूम में कुछ नहीं किया गया इस रूम में, आई थिंक इन लोग को मेरा डर है। यार ये टोपी किसने बाहर, यार मेरी गोल 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 खेलने की टोपी इन लोग ने बाहर रख दी। एंड ये 3 टक्के का सा है, ये ब्लैक वाला कहीं तो नया, नहीं नहीं ये ब्लैक वाला मेरा ही है। अगर मेरे को कम्फर्ट से सोना है तो कहीं पर भी मैं सो सकता हूँ, आधा टेढ़ा जैसे सोना है। ओके, तो इन लोग ने गाइस बहुत चेकिंग की कर ली है, एंड बाहर से गाइस कुछ हुआ नहीं है ना। हाँ नहीं यार, अभी बाहर से अंदर भी कर रुको, वैसे सारे जितने भी प्लांट है ना उसका सॉइल थोड़ा सा लूज भी लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पे गाइस देखो, ओके तो यहाँ पे ये डिस्क किसने रख दी, अच्छा वो वाली है टैक्सी वाली डिस्क। एंड यार अभी मैं काम करता हूँ, देखते कि भाई यहाँ पे क्या होता है। एंड रुको भाई, सायरन की आवाज़ भाई, ये क्या हो रहा है गाइस, लिटरली यार मेरे घर की पुलिस आ रही है, भागो यार, भागो भागो गाइस। भाई पुलिस को मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ, आई थिंक पुलिस के पास ऐसा एक सीक्रेट डिवाइस बना लिया है, भागो यार। सच्ची में गाइस, मैं अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी गाइस यार। अभी गाइस यार तो मैं वीडियो को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ 2 मिनट। एंड अभी मैं बोल रहा था कि भाई नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा कल गाइस, एंड आज तो एक ये पार्ट आ गया है जिसमें आप देख सकते हो कि भाई मैं पकड़ा गया हूँ, पकड़ा गया नहीं हूँ बट अभी भाग रहा हूँ, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा नाकाम रह जाएगा एंड भाई मैं जेल में चला जाऊँगा, यही हाल है। तो आगे की स्टोरी आप लोग को पता चल रही है। ओ यार गाइस, यार ये लोग कितना मारते हैं यार, बस यार बस हो गया भाई, मेरे को नहीं भाई, मेरे को पकड़ो मत यार, आगे आगे से जाता हूँ। अरे यार शिट गाइस, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे गाइस, इतनी सारी पुलिस दिख के यार मेरे क्या गंदा वाला डर रहा हूँ, बट जो डर गया वो मर गया यार, निकलने दो प्लीज़ यार प्लीज़। नहीं नहीं नहीं, अरे गाइस इन लोग ने गंदा वाला मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस यार ये लोग मार रहे कम है और पकड़ रहे कम है, मार ले ज़्यादा है, मार ज़्यादा रहे और पकड़ रहे कम है, बट ये सभी हम यहाँ पे। अरे भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ओ यार गाइस गाइस मैं इसके पीछे कैसे आ गया, अरे यार इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया, शिट। एंड ऊपर गाड़ी किस बात की यार, आई थिंक गाइस इन लोग ने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ से मैं निकल ना पाऊँ, एंड यहाँ पे गाड़ी भी अटका दी यार इन लोग ने, बट यहाँ से मैं निकल सकता हूँ नहीं यार, शिट ये भी अटेम्प्ट फेल हो गया, अभी मेरे को बचाएगा कौन। ओके तो यार मैं अभी सेकेंड पार्ट में भाई मेरे को सोल्यूशन भी नहीं मिला, एंड पुलिस ने भी पकड़ लिया, दो चीज़ हो गई। एंड यार शिट गाइस, गंदा वाला फंसा हूँ मैं यहाँ से, इन लोग ने ये भी बंद कर दिया ताकि मैं यहाँ से निकल ना पाऊँ। ओके भाई ये कैसी बदतमीजी यार, तो यहाँ से मतलब इन लोग को लग रहा है कि भाई मैं निकल जाऊँगा तो गाड़ी की आवाज़ आएगी कि गाड़ी को हलचल होगी, इसलिए जब भी मैं इसको हाथ लगाऊँगा आई थिंक तब या तो मैं इसे टच करूँगा तब गाइस सायरन बजेगा, इसलिए भाई नहीं करना जाने दो, बट तभी मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो ओके तो यहाँ पे गाइस कुछ तो एक ही रास्ता है कि भाई मैं, मेरे पास फ़ोन है, अरे भाई गाइस मेरे पास इंटरनेट वाला फ़ोन है, एंड अभी गाइस मैं किससे बात करने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को सब पता है, एंड किरिल तो कुछ करने नहीं वाला, इसलिए किरिल सब कर सकता है गाइस, किरिल के पास हैकिंग डिवाइस है, एंड इससे गाइस मैं डायरेक्ट घर पर चला जाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, एंड बाद में सब ढूंढेंगे गाइस। तो यस बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट एपिसोड गाइस आएगा कल।